उससे पहले पहले मेरे को आपने फाइल देनी है। वरणजीत रेज हैंड, क्या प्रॉब्लम बेटा? वरनीत राजपूत, वरनीत, वरनीत राजपूत। फाइल बस नया बना लो यार, अभी तो टाइम था, अभी देनी थी आज तक, या आज का चलो लास्ट प्रैक्टिकल और लिख लो, इंट्रोडक्शन टू 8086 किट, ठीक है ना, माइक्रोप्रोसेसर किट। सॉफ्ट कैसे बन जाएगी इसकी, बना दोगे सॉफ्ट? नहीं, उसमें आप वो कैसे बनाओगे, फ्लो चार्ट्स? चलो बना, असेंबलिंग डिसेंबलिंग वाले प्रैक्टिकल जो हैं। बेटा मैं ना फिर वो चेक करूंगा आपकी प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म कुछ भी नहीं होनी चाहिए उसमें, प्लेग नहीं होना चाहिए आपके मटेरियल में, प्लेग नहीं होना चाहिए। मेरे पास सॉफ्टवेयर है, उसमें डाल दूंगा मैं प्लेग, ये बात सुन लो ठीक है ना, प्लेग नहीं होना चाहिए। अभी लोग आएंगे और लोग आएंगे क्या? जल्दी से बोलो बेटा, बाकियों को अगर आते हो तो। सर, ये साथ साथ प्लैंक में का क्या करवा रहे मतलब थे। है? प्लैग होता है आपकी डुप्लीकेसी कितनी है आपके डॉक्यूमेंट में, आपके डॉक्यूमेंट में सर, वो डुप्लीकेसी छुट्टी कितनी है? में पता चल जाएगा, सर वो वो सब हाँ में पता सॉफ्ट, चल जाता है। हाँ वो सॉफ्टवेयर से पता लग जाता है कि आपने कहाँ कहाँ से कॉपी किया, कौन सी वेबसाइट से कॉपी किया हुआ आपने। ओके ओके जब ये खत्म हो जाएगा आपका, तब उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। उनको भी लगा लें अपने, जाएगा तो वहां से ज्वाइन करवा लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो दिखाई दे रहा है बेटा, हमारा है टॉपिक टू स्टार्ट टू स्टडी 8086 ट्रेन नथिंग। ओके, हमने माइक्रोप्रोसेसर 8086 कंटेनर किट के बारे में स्टडी करना है। व्हाट इज 86 माइक्रोप्रोसेसर कंटेनर किट? 85 तो आपने देख लिया सबने, ऑल आर फैमिलियर विद 85 किट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? ये तो पता है आपको सबको, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। सो व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर मीन्स विच हैव माइक्रो सेकेंड माइक्रो टाइम
आपका जो टाइम पीरियड होता है प्रोसेसिंग का, दैट इज माइक्रो सेकेंड, बिकॉज द फ्रिक्वेंसी इन मेगा हर्ट्ज। जब मेगा हर्ट्ज को रेसिप्रोकल करते हैं 1/10^6 करते हैं, देन इट इज माइक्रो सेकेंड, सो दैट इज माइक्रो प्रोसेसर, स्मॉल प्रोसेसर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 85 एंड 86? सो जो डाटा बस होती है 85, इट इज 8 बिट, एंड इन केस ऑफ 86 इट इज 16 बिट डाटा बस। ओके, मीन्स इट कैन टेक 8 bit of data, 85 can take 8 bit of data, 86 can take 16 bit of data, okay, or it can process 16 bit of the data, okay. Next is microprocessor 85 has 16 bit address space, but the microprocessor 86 has 20 bit address. So that's why it is 2^20, हमें approximately 1 MB की capacity नीचे दिया हुआ है, it is 1 MB की process, with 1 MB space, in this it is 40 KB, नीचे है वैसे point, the memory is in 85 is 64 KB, maximum memory is 64 KB, in case of 86, the memory is 1 MB, so in the case of 85, we have already stated that data bus is 18 bits, so the input-output port addresses are 88 bits, input-output port addresses are 16 bits. Now, the operating frequency is 3.2 megahertz in case of 85, but in case of microprocessor, it is 5 megahertz, 8 megahertz, and 10 megahertz. Means 86, 86, 1, 86, 2, like that, 8 megahertz, 10 megahertz. Okay. Frequency is in 85 is less than the frequency in 86. 85 microprocessor only operate in single mode, but 86 microprocessor operate in two modes. One is the minimum mode, single CPU processor, means multiple operation nahi karta hai. Like आपका 85 वैसे ही काम करता है, बट इन मैक्सिमम मोड इट इज यूज एज मल्टीपल सीपीयू प्रोसेसर, मीन्स ये पैरेलल ही काम करता है। इन 85 ओनली देयर टू इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक एंड सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मीन्स प्लस और माइनस होता है इसमें, कोई भी आपकी मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन इंस्ट्रक्शन नहीं रहती। बट इन केस ऑफ 86 देयर इज ए मल्टीप्लीकेशन एंड division instruction also. In case of 85, it does not support pipelining, but microprocessor 86 supports pipelining with a combination of two units, execution unit and bus interface unit. Aditya, what is pipelining? Task bol dijiye. Yes, sir. What is pipelining? सर पाइपलाइनिंग एक प्रोसेस है जिससे एग्जीक्यूशन फास्ट होता है सर, हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते हैं। मींस वहां पे क्यू बनी रहती है, एग्जीक्यूशन से पहले उस क्यू में इंस्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है, पाइपलाइन में एग्जीक्यूशन आ जाती है, प्लीज सर। यस सर, एग्जीक्यूशन भी चलता रहता है और फेचिंग भी साथ-साथ चलती रहती है, पैरेलल चलता रहता है। यस सर, यस सर, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन फेचिंग मेमोरी एक्सेस जो भी सर सिमल्टेनियसली चलता रहता है। सो पाइपलाइनिंग में जो होता है क्यू होती है, क्यू काम करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाता है वो पहले बाहर आता है, इसमें ये काम करता है 86 में, इस बेस पे चलता है। नेक्स्ट इज, अभी जो मैंने बताया, इट डज नॉट सपोर्ट इंस्ट्रक्शन क्यू, इट सपोर्ट इंस्ट्रक्शन क्यू, इसमें इंस्ट्रक्शन क्यू रहती है, उसमें इंस्ट्रक्शन क्यू नहीं होता। मेमोरी स्पेस इज नॉट सेगमेंटेड, मेमोरी स्पेस इज सेगमेंटेड। व्हाट इज सेगमेंटेशन आदित्य कुमार, व्हाट इज सेगमेंटेशन? वेरी गुड,
मीन्स कोई मेमोरी है आपकी, बड़ी मेमोरी है, उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वो डिवाइड क्यों करते हैं? उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड क्यों किया जाता है? ताकि सर जो बता सकता है व्हाई सेगमेंटेशन इज देयर सी भी। हेलो सर। यस सर। ताकि जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन है सर जो एग्जीक्यूट हो सके, जब जब जाता है बाद में जो जो प्रोसेस है। सो सेगमेंटेशन क्या है, आपके पास यहां पे केबी मेमोरी थी, यहां पे क्या थी 64 केबी मेमोरी थी, तो इसमें हमें सेगमेंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। बट इसमें हम सेगमेंटेशन करते हैं, इसमें चार हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जो आपकी 1 MB की मेमोरी है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जिसको हम सेगमेंट रजिस्टर बोलते हैं। 64 KB का ऑलमोस्ट सबका एक पार्ट होता है, कैपेसिटी होती है। तो जो 4 पार्ट्स बने उसको हम अलग अलग यूज कर सकते हैं, एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ता, एक मेमोरी का इफेक्ट क्या है दूसरे पे नहीं पड़ता है। जो आपका ES, CS, DS एंड कोड सेगमेंट, दीज आर 4 कोड सेगमेंट, CS डाटा सेगमेंट, DS एक्स्ट्रा सेगमेंट, ES एंड स्टैक सेगमेंट, इनका अलग अलग पर्पज है। ऑफसेट इनका एड्रेस रहता है यहाँ पे, तो सबकी जो मेमोरी है सबकी अलग रहती है। हमने पढ़ा था 825 में 5 फ्लैग्स होते हैं, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, ठीक है। ये 5 फ्लैग होते हैं 825, बट इन केस ऑफ 826 वी हैव 9 फ्लैग्स। 826 में कितने फ्लैग्स हैं? 9 फ्लैग होते हैं, 9 फ्लैग होते हैं। सो इसमें पता हमें डाटाबेस कितने की है, 8 बिट की है। सो 8 बिट का ही रजिस्टर रहेगा, जो फ्लैग रजिस्टर है वो भी कितने का रहेगा, 8 बिट का। सो फ्लैग रजिस्टर में 5 तो आपके फ्लैग हैं, सो 5 बिट्स आर ऑक्युपाइड बाय द 5 फ्लैग्स एंड 3 लेफ्ट 3 आर डोंट केयर। मैंने पहले बताया था डोंट केयर होता है, कुछ भी हो सकता है वहां पे, चाहे 0 ले लो चाहे 1 ले लो, ठीक है, वहां पे कुछ भी ले सकते हैं। एंड इन केस ऑफ 86 द रजिस्टर आर 16 बिट, जो डाटा बस होती है 16, सो रजिस्टर आर ऑफ 16 बिट, उसमें हमारे पास 16 बिट रजिस्टर होता है। तो देयर आर 9 फ्लैग्स, सो 9 बिट्स आर ऑक्युपाइड बाय द फ्लैग्स एंड 7 बिट्स आर डोंट केयर, एंड 7 बिट्स आर डोंट केयर, 9 + 7 = 16। एंड इन केस ऑफ 85 देयर आर 80 इंस्ट्रक्शंस, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं देयर आर 80 इंस्ट्रक्शंस, बट इन केस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 86 वी हैव 157 इंस्ट्रक्शन। 86 है उसमें 157 इंस्ट्रक्शंस रहती हैं। सो इन 85 जो फ्लैग रजिस्टर है वो 8 बिट का है, मैंने अभी बताया आपको, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डाटा बस इज ऑफ 8 बिट, सो द फ्लैग रजिस्टर इज आल्सो ऑफ 8 बिट, ठीक है। इन केस ऑफ 86 द फ्लैग रजिस्टर इज 16 बिट बिकॉज डाटा बस ऑफ 16 बिट इज देयर। देन नेक्स्ट इज इट डज नॉट सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग, इट सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग इन मैक्सिमम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस वन, 85 हैज सिंगल मोड ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन बट दे हैव टू मोड, सो द 86 सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग इन मैक्स मोड, मैक्सिमम मोड में ये काम करता है। इसके 3 टाइमर रहते हैं, 2 मोड होते हैं, ओके। इट सपोर्ट इंटीजर एंड डेसिमल नंबर सिस्टम, ओनली सपोर्ट करता है किसको, इंटीजर और डेसिमल नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है। बट जो आपका 86 है इट सपोर्ट इंटीजर, डेसिमल एंड आस्की नंबर सिस्टम, ये 3 को करता है, इंटीजर, डेसिमल एंड आस्की नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है। इन 85 वो हैव 6 जनरल पर्पस रजिस्टर, वो हमने पता है हमें कौन कौन से, बी सी एच एल डी ई, दे ऑल आर 8 बिट, सबके सब क्या होते हैं 8 बिट का होता है। इफ वी नीड पेयरिंग, अगर हमें 60 बिट चीज हो वे हम क्या करते थे, बी सी पेयर, एच एल पेयर एंड डी ई पेयर करते थे ना, उसमें 16 बिट का चाहिए होता था तो हम ऐसे पेयरिंग कर देते थे उसको, वी पेयर द बी सी एच एल एंड डी। बट इन केस ऑफ 86 वी हैव ओनली 4 जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर मीन्स टेम्पररी डाटा को स्टोर करना, ट्रांसफर करना डाटा को, जैसे मैं इसमें इंस्ट्रक्शन किया सेम इसमें करते हैं। तो देयर आर 4 जनरल पर्पस, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स एंड डी एक्स, दीज 4 आर 16 बिट रजिस्टर
AH and AL, these are the 8-8 bit. Okay, these are main differences between the microprocessor 8085 and 8086. So very पहले तो होता है कि ये आपको बताना चाहिए कि उसमें 8 बिट होते हैं डाटा बस, इसमें 16 बिट का। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कितने बिट का माइक्रोप्रोसेसर है आपका, माइक्रोप्रोसेसर 86 कितने बिट का माइक्रोप्रोसेसर है, इट इज 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर। देन उसकी एड्रेस बस कितनी, 16 बिट, इसकी 20 है, इसकी मेमोरी कितनी 64 KB, इसकी 1 MB, ये मेन है इसमें। और इसमें एक मेन है कि कितने मोड में काम करता है, वो सिंगल मोड में काम करता है, 8086 आपका टू मोड में काम करता है, मिनिमम मोड सिंगल सीपीयू प्रोसेसर और मैक्सिमम मोड मल्टीपल सीपीयू प्रोसेसर, ठीक है। पाइपलाइनिंग होती है इसमें, उसमें पाइपलाइनिंग नहीं होती है, क्यों को करता है वो क्यों को नहीं करता है। सो दीज आर मेन पार्ट, सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग, डज नॉट सपोर्ट, इट डज नॉट सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग, ये सपोर्ट करता है मल्टी प्रोसेसिंग को इन मैक्सिमम, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन 8085 एंड 8086। सो इसको ध्यान में रखो, ये फाइनल एग्जाम में शायद आपसे पूछा भी जा सकता है। अगर इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके है उसमें सिलेबस में है वहां पे दिया हो कहीं पे इंट्रोडक्शन टू 8085 या 8086 की, तो है से पार्ट उसमें नहीं है थ्योरी में, चलिए कोई बात नहीं। सो इट इज द आर्किटेक्चर ऑफ द 86. It is architecture of 86. कोई बात नहीं बेटा, कोई बात ध्यान बुझ के रखो, इट इज द आर्किटेक्चर ऑफ, कोई बात नहीं, इट इज आर्किटेक्चर ऑफ 886. 886 का आर्किटेक्चर है बेटा जी। तो क्या बताया यहाँ पे, देखिए ये मेमोरी है बाहर की, आउटर मेमोरी, उसके साथ इंटरफेस किया गया है इसको। यहाँ पे एक VI यूनिट है और एक मीन्स दो मेन यूनिट में इसको डिवाइड किया है, AIU और VIU, ठीक है। ये आपका समेशन है यहाँ पे, इसके बाद क्या है, ये ES है एक्यूमुलेटर, इसके बाद ES, ये आपके रजिस्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। ये Q दे रखा है, ये कंट्रोल सिस्टम है जो Q को कंट्रोल करता है, यहाँ से फेच करता है, फिर इसको देता है, बसेस हैं, बसेस के बीच में जाता है। यहाँ पे क्या आपका ये AHAL मीन्स 8-8 बिट का, ये 8-8 बिट का, इसको कंबाइन करके क्या होगा आपका 16 बिट, अलग अलग हैं तो ये 8 बिट है। स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, ठीक है, स्पेस इंडेक्स, ठीक है, डाटा इंडेक्स, दीज आर द डिफरेंट रजिस्टर, वो आगे करवाते हैं आपको। देन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और ये ऑपरेंड्स है इन फ्लैग, मेनली आपका है कि ये VIU और EU दो पार्ट में डिवाइड रहता है, कितने पार्ट में डिवाइड रहता है बेटा, इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दैट इज द VIU एंड EIU। सो मेन फीचर्स क्या होंगे फिर, आप अगर मैं बात करूं मेन फीचर्स ऑफ द 86, मेन फीचर क्या होगा 86 के, कोई बताएगा मेन फीचर्स ऑफ 86 क्या है? अगर मैं बात करूं मेन फीचर्स ऑफ 86, इट हैज 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर, 16 बिट डाटा बस, ठीक है, इट हैज 1 MB मेमोरी, इट सपोर्ट्स 64K इनपुट आउटपुट पोर्ट, 14-16 बिट रजिस्टर। हाँ, इसमें जो आपकी बस होती है, एड्रेस बस होती है, दैट इज मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस, मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस मींस जो आपका हायर बिट ऑफ डाटा बस होता है, जो हायर बिट ऑफ डाटा बस होता है, हायर बिट मींस AD, जीरो, AD 15, एंड 20 बिट की होती है ना बेटा आपकी, 20 बिट एड्रेस बस 16 से लेके कहां तक जाएगी, ये 19 तक। तो मल्टीप्लेक्स होती है एड्रेस और डाटा बस, क्या मतलब है इसका, जो आपका हायर बिट है वो हम एज एड्रेस बस ही यूज करते हैं, जो आपका लोअर बिट्स हैं A0 से लेके A15 तक, वो क्या यूज करते हैं हम उसको, उसको क्या यूज करते हैं, एड्रेस एज वेल एज डाटा बस हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितनी इंस्ट्रक्शंस ले सकता है एट ए टाइम, ये कितनी इंस्ट्रक्शन ले सकता है मेमोरी से, 6 इंस्ट्रक्शन ले सकता है एट ए टाइम, इट कैन बी बैच अप टू 6 इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस पे,
ये काम करता है, तो ये स्पीड अप कर देता है, इससे आपकी जो प्रोसेसिंग है इसकी प्रोसेसर की वो आपकी स्पीड अप हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, इसके दो ऑपरेशन है, इट हैज टू ऑपरेशन, वन इज द मिनिमम मोड एंड वन अदर इज द मैक्सिमम। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद है 86 रजिस्टर सेट, AX is the 16 bit, इसको हम accumulator बोलते हैं। If we use different AH or AL, higher side, higher order and lower bit, ठीक है? AH and AL, ये 8 bit का हम use कर सकते हैं accumulator को ऐसे भी, base register को BX 16 bit, BH और BL 8 bit का base register, DX data register, temporary data, DH DL data register, ये counter होता है। Counter के लिए हम ये use करते हैं CX। लूप इंस्ट्रक्शन में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है? CX हम आपको आपका 16 बिट का हो इसके बाद IP instruction pointer register, इसमें instruction जो next instruction है उसका address रहता है, 16 bit का होता है instruction pointer register, destination index register and source index register, address रहता है सबका इसमें, ठीक है? Segment register मैंने बताया, 4 segment register है आपके पास, data segment register, stack segment register, extra segment register and co segment register, ठीक है? तो दीज आर द रजिस्टर सेट, 86 रजिस्टर सेट, फ्लैग रजिस्टर्स, ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर एंड सेगमेंट रजिस्टर। ओके, दीज आर द मेन पॉइंट। ठीक है, देन वी कम टू गेम एट VIU एंड EU। सो व्हाट इज EU? एग्जीक्यूशन यूनिट क्या होगा? ये बताएगा, इसको बताएगा कहां पे, बोल टेल इस, इसको बताएगा VIG, ठीक है? VIG को इट टेल्स द VIU कि कहां से आपने इंस्ट्रक्शन उठानी है और कहां से डाटा उठाना है आपने, फिर उसको कोड करेगा इंस्ट्रक्शन को और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो एग्जीक्यूशन यूनिट, इसमें बाई डायरेक्शन दिया हुआ यहां पे, एग्जीक्यूशन यूनिट टेल्स द VIU where to fetch instruction or data from, decode instruction and execute the instruction, ठीक है? ये इसका EU का काम है। EU के पास और क्या होता है? Control होता है, control circuit होता है। इसके पास क्या हो? Control circuit है। Control circuit क्या होता है? जैसे अपना mind है, आपका brain है, वो क्या करता है? वो direct करता है different parts को for operation। So क्या करता है? ये भी direct करता है इंटरनल पार्ट्स को, डिफरेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर को फॉर ऑपरेशंस। ओके, अरे ठीक है, ठीक है, रितिदास? यस सर। हाँ जी, तो ये क्या करता है एग्जीक्यूशन यूनिट? एग्जीक्यूशन क्या करता है? जो भी इंस्ट्रक्शन आती हैं VIU को, कहां से आती हैं VIU में? VIU में कहां से आती हैं? मेमोरी से आती हैं या बाहर से आती हैं? उनको प्रोसेस करता है, ऐड करना, तो क्या करेगा EU? उसको डिकोड करेगा और उसको एक्शन करेगा उसके ऊपर, ठीक है? ओके, उसके ऊपर एक्शन करेगा। सो इसके पास और क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, एंड करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है, और एक्सप्लोर, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, जैसे उसमें किया था कंप्लीमेंट और शिफ्ट बाइनरी नंबर। सो द मेन फंक्शन ऑफ द EU आर डिकोडिंग सेक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन।
तो क्या इसमें स्टेप फॉलो करते हैं, ईयू क्या करता है, ईयू टेक्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्यू ऑफ द बीआईयू, जो बीआईयू में क्यू है वहां से क्या लेता है, इंस्ट्रक्शन लेता है, फिर क्या करता है उसको, देन डिकोड द इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, और आप इसमें देखिए वो ऑपरेंड को भी जनरेट कर सकता है, अगर आपको चाहिए तो ऑपरेंड भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑपरेंड जनरेट करके कहां पास करेगा, बीआईयू को पास करेगा, तो बीआईयू को पास करके बोलेगा ये कि जो आपकी मेमोरी है उसको वहां से ऑपरेंड जनरेट करेगा, वहां से क्या करे, रीड करे या राइट करे डाटा, जो मेमोरी है वहां से, या इनपुट आउटपुट डिवाइस है कोई, कोई आपको कहीं सेंसर से आपने कोई डाटा लेना है, तो यहां से ऑपरेंड जनरेट करेगा और बोलेगा बीआईयू को कि वो क्या करे, रीड करे या राइट करे, सेंस करे वहां से बाहर के स्पेस से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से या मेमोरी से डाटा ले, ठीक है। सो क्या करता है, जो ईयू क्या करता है, परफॉर्म करता है, ईयू परफॉर्म द एक्शन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑन ऑपरेंड्स, ओके। सो इट इज अ वर्क ऑफ ईयू, दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट इन एग्जीक्यूशन यूनिट इन 86। देन बस इंटरफेस यूनिट, बस इंटरफेस यूनिट क्या करता है, ये बाहर के स्पेस को, जो बाहर स्पेस है उसको क्या करता है, एड्रेसेस भेजता है, एड्रेसेस भेज के वहां से डाटा लेना, जो भी एड्रेस पे आपका डाटा पड़ा है वो एड्रेस भेज दिया, वहां से डाटा लेता है, फेचेस करता है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से, इंस्ट्रक्शन से को फेच करता है फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। अगर आपके पोर्ट है, इनपुट आउटपुट पोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कोई सेंसर लगा हुआ बाहर या मोटर लगी हुई है आपकी, तो वहां से इनपुट आउटपुट पोर्ट से रीड करना डाटा, जब मेमोरी से रीड करना डाटा, और राइट भी करता है, मींस बाहर आपने इंस्ट्रक्शन आपकी कोई डाटा भेजना है, एंड राइट डाटा टू द पोर्ट्स एंड मेमोरी। ये समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूं, मैं रीड एंड राइट क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपके पास क्या है, 86 है बेटा, 86 है। तो 86 का बीआई यूनिट मैंने सिर्फ सिंपली ले लिया जो काम करता है, तो क्या करता है, मैंने इसके साथ एक डीसी मोटर लगा रखी है, जो पानी वाली टैंकी वाली मोटर है वो लगा रखी है, तो क्या करता है, हमने इसको कंट्रोल करना है डीसी मोटर को, कि जब आपका लेवल फुल हो जाए तो ये ऑफ हो जाए, नहीं तो ऑन रहे, तो क्या करेगा, ये चेकिंग करेगा, ठीक है, वहां से चेक करता रहेगा, वहां से चेक करेगा कि हाँ कुछ आया वहां से, अगर यहां से क्या सिग्नल अगर फुल हो गई, वहां से स्विच क्या हो जाएगी आपकी, दोनों ये 85 थी आपने देखी हुई है बेटा, ऐसे सेम एज ऑफ 85 किट है बेटा ये, ओके। तो यहां पे पावर सप्लाई दी हमने, ठीक है, तो ये क्या आपका कीबोर्ड है, यहां से क्या करते हो, कीबोर्ड से क्या करते हैं, राघविंद्रन है, राघव है, राघव कीबोर्ड से क्या करते हो, हाँ जी क्या करते हैं कीबोर्ड से, हमने 85 में पढ़ा था, देखा था वहां पे इंस्ट्रक्शन, हमने क्या करते थे, डाटा एंटर करते हैं, और डाटा एंटर करते थे, ठीक है, डाटा एंटर करते थे, यहाँ से आप एड्रेस और डाटा एंटर करते हो, प्रोग्राम एंटर करते हो, ठीक है, यहीं से आप एग्जीक्यूट करते हो, फिर रिजल्ट देखते हो, ठीक है, यहीं से डिफरेंट स्टेप्स। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले है, यहाँ पे क्या डिस्प्ले होता है, एड्रेस डिस्प्ले होता है, और यहाँ पे आपका डाटा डिस्प्ले होता है, इधर एड्रेस डिस्प्ले होता है, इधर इधर क्या होता है आपका डाटा डिस्प्ले होता है, ठीक बेटा, ये कीबोर्ड है। और यहाँ पे देखिए ये प्रोसेसर लगा है, और इसके साथ हम 87 और 8009 को प्रोसेसर और लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके बेटा, ये प्रोसेसर आपका 86 इसके साथ और लगा सकते हैं, और ये आपकी पावर सप्लाई है, बैटरी बैकअप है, पावर सप्लाई नहीं बैटरी बैकअप है। बैटरी बैकअप क्यों लगाया हुआ है, बैटरी बैकअप इसलिए लगाया हुआ है अगर लाइट चली जाए बीच में, अगर लाइट चली जाए तो क्या करेगा, ये जो रैम है उसका डाटा लॉस नहीं होगा, मींस वो आपका डाटा एज इट रहेगा, वो जब प्रोग्राम चल रहा है तो वो उसका डाटा लॉस नहीं होगा, इसलिए बैटरी बैकअप लगा दिया। ये आपका मेमोरी एरिया, मेमोरी में रोम और रैम है, आपके ये मेमोरी एरिया। देन इट इज अ एड्रेस लैच, ये आपका एड्रेस लैच है, जो भी बताया था आपको, दैट इज अ एड्रेस लैच, ओके। देन
ये आपका मेन RS-32 है, सीरियल पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, सीरियल कम्युनिकेशन मेन RS-232 आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये आपकी प्रोग्रामिंग के लिए, EEPROM प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये हटाया हुआ है, वैसे यहाँ पे लगा सकते हो आप, ठीक है। और एक बता दिखाता हूँ मैं, उसमें लगा हुआ है। देन ये आपकी है इंटरफेसिंग, बाहर के जो आप मैंने दिखाया था आपको, ये मैंने दिखाया था बाहर, ठीक है, इनपुट आउटपुट के साथ इंटरफेसिंग है, 8.2.5.3.1 ऐसे लगे हुए यहाँ पे, ऐसे ये आपकी इनपुट आउटपुट लाइन है इंटरफेसिंग के लिए। ये कंट्रोलर है, कीबोर्ड कंट्रोल A279, और यहाँ पे आपका लगा हुआ बेटा टाइमर काउंटर, ये कंट्रोल करता है टाइमिंग, या 3 टाइमर है हमारे, इनको भी कंट्रोल करता है ये टाइम एंड कंट्रोलर, 8.2.5.3 लगा, 8.2.5.3 लगा हुआ है यहाँ पे C2, ठीक है। और ये आपकी कनेक्टेड इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए बसेस का पोर्ट है, यहाँ पे ये बसेस का पोर्ट है, ठीक है बेटा नित्य दास, ठीक है, समझ गए। किट वैसे देखी हुई आपने, दिखाया हुआ पहले भी आपको, सप्लाई वोल्टेज का ही, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई के लिए लगा हुआ है यहाँ पे, सप्लाई देने के लिए, ठीक है। एक तो किट ये है, जो आजकल आ रही है वो हम क्या करते हैं, जो आपका कीबोर्ड होता है उसके साथ वो अटैच हो जाती है, कीबोर्ड के साथ जो अटैच हो जाती है, जिसपे ऐसे कीबोर्ड नहीं होता वो कीबोर्ड के साथ अटैच हो जाती है आपकी। तो उसमें देखिए, उसमें क्या है, ये है। हाँ जी आप बताओ, भी मैंने आपको बता दिया, कोई बच्चा देखते हैं कौन बच्चा है जो बताएगा मेरे को कि क्या क्या एरियाज हैं, लेफ्ट और राइट अबव ऐसे करके बताओ मेरे को, अच्छा ये बताइए ये क्या चीज है, ये क्या हो सकता है, ये क्या है आपका प्रोसेसर है, चलो मैं बता दिया प्रोसेसर, ये क्या आपका प्रोसेसर है, ये क्या है, अरे क्या था यहाँ पे, क्या था इधर, इस आईसी देखो ना, आईसी का साइज देख लो, एड्रेस लैच, वेरी गुड, एड्रेस लैच है, एड्रेस लैच है। इसके बाद ऊपर ये रैम और रोम मेमोरी, वेरी गुड, मेमोरी एरिया, ये आपका रैम है और ये आपका क्या है, रोम है, रैम एंड रोम, वेरी गुड। नेक्स्ट, हैं बोले बोले, ठीक है, ये क्या है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ठीक है, 8.2.5.5.1 8.2.5.5.2 एंड 8.2.5.5.3, देखिए 1 2 3 लिखा हुआ ना यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको 1 2 3, 8.2.5.5.1 2 3, यहां पे फिर आगे क्या आ गया, ये आपका इंटरप्ट के लिए बेटा, 8.2.5.9 इंटरप्ट के लिए, इसके लिए ये इंटरप्ट के लिए, ठीक है। फिर आपका आ गया टाइमर एंड कंट्रोल जो मैंने बताया था, 8.2.5.3, ये RS-232 है, RS-232, ये USART है, USART, और ये आपका क्या है, बैटरी बैकअप, देखिए वो बैटरी बैकअप जैसे उसमें बैटरी बैकअप क्या करता है, रैम जब आपका एकदम से सप्लाई चली गई तो उसको रैम का जो डाटा है उसको लॉस नहीं होने देता, तो वो प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये बजर है, ये बजर है, ठीक है, ये रियल टाइम क्लॉक सेक्शन है, ये रियल टाइम क्लॉक सेक्शन है,
मीन्स क्लस्टर के साथ यहाँ पे ये आपका रीसेट है और यहाँ से आप इसको कनेक्ट करते हो आपके, ठीक है, यहाँ से कीबोर्ड इंटर का आप यहाँ पे कीबोर्ड को इंटरफेस करो, ये कीबोर्ड के इंटरफेस के लिए आईसी के लिए कीबोर्ड के इंटरफेस के लिए लगी हुई है, ठीक है, और ये आपका डिस्प्ले है, ये आपका डिस्प्ले है, ओके बेटा। तो बैटरी बैकअप ऊपर क्या है? बैटरी बैकअप का मतलब ये होता है जो रैम होती है आपकी इसमें, नहीं सर वो बैटरी बैकअप के सर मैं बताता हूँ, जो बैटरी बैकअप है उसमें क्या होता है आपकी ये RS-232 है बेटा, RS-232 यहां से अच्छे से दिखता है, देखिए ये RS-232 है, ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, सीरियल पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए, सीरियल पैरेलल आपके पास नहीं लगा होता वो, आपके कंप्यूटर के पीछे जब मीटर लगाते हैं मीटर में नहीं लगा होता वो, अरे वैसा नहीं लगा होता आरएस, हाँ हाँ ठीक है, RS-232 बेसिकली बेटा सीरियल पैरेलल कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन सीरियल डाटा को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से, सीरियल पता क्या होता है, पैरेलल पता क्या होता है, सीरियल सीरियल पैरेलल तो आप पढ़ा होगा आपने इसमें थ्योरी में, सीओ में नहीं पढ़ा, चलो आप पढ़ लोगे इसमें, तो ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, जो RS-232 है सीरियल कम्युनिकेशन, कंप्यूटराइज कंप्यूटर सीरियल पोर्ट्स होते हैं इसमें, तो उसके लिए आप इसको यूज करते हो बेटा, इसके लिए आप इसको यूज करते हो, ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट दिस प्रोडक्शन। सभी समझ गए ये? आदित्य कुमार अभी पूछो, क्या पूछना कुछ? हाँ मैं दिखा देता हूं आपको, बोलिए क्या इसमें है प्रॉब्लम पे, इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिए? ओके डाउट है इसमें सर, ये पीपीटी आप शेयर नहीं करोगे? क्या करोगे पीपीटी शेयर करवा के, कुछ है नहीं इसमें, ये भी नेट पे मिला, मैंने उठाया ये वाला जो आपका ये है ना, ये पड़ा हुआ आपका दास, ओके ओके सर, ओके सर, ये मैंने बनाए हुआ सिंपल, ये मैंने बनाए हैं ये वाले चीजें, डिफरेंस थोड़े से जो कुछ खास नहीं है इसना, वो आपको नेट से मिल जाएगा, बस आप ये पॉइंट समझ लो ये कैसे डिफरेंसेस है बेटा, हाँ हाँ कर सकते हो, बट इसमें जो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है डिफरेंट रहेंगी थोड़ी बेटा, क्योंकि इसमें जो एड्रेस होता है वो ऑफसेट होता है और एक्चुअल एड्रेस दो का कॉम्बिनेशन रहता है वो, तो इसलिए हम वो मैंने ऑफसेट एड्रेस के लिए बताया था बेस पॉइंट रजिस्टर है वो सारे उसी में यूज करते हैं, बीच में बताया था ना मैंने, हाँ इसमें एक ऑफसेट एड्रेस रहता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बाकी सेम है, स्टेप्स वगैरह सारा सेम है, वो सेम ऐसे हो जाएगा, ओके, पहले हम ये किट यूज करते थे, ये वाली किट है, ये यूज करते थे, जैसे वो 885 वाली है, सेम किट यूज करते थे, बट नाउडेज वी आर यूजिंग दिस किट, ये वाली किट यूज करने में, बेटा ये किट यूज करते हैं।